अमीर वर्सेस गरीब की ठंड। एक गांव था शीतलपुर, वहां पर एक सेठ रहा करता था। वो काफी घमंडी और अड़ियल किस्म का था। उस सेठ ने गांव के काफी लोगों की जमीनें हड़प कर रखी हुई थी, जिस कारण बहुत से लोग बेघर हो गए थे, लेकिन उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार की बात है, ठंडी का मौसम आ चुका था, गांव में हद से ज्यादा ठंड पड़ रही थी, और इतनी ठंड में भी लोग बिना रजाई गद्दे के सो रहे थे, क्योंकि उनके सारे ऐशो आराम उस सेठ के कारण छिन चुके थे। फिर अगले दिन सुबह, अरे भैया लोग, अब ये अत्याचार हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा ही रहा तो ठंड से लोग मरने लगेंगे, हमें सेठ से बात करनी होगी। हाँ काका, तुम सही कह रहे हो। फिर सभी सेठ के पास बगावत करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके दो मुस्टंडे बॉडीगार्ड उन्हें गेट से ही भगा देते हैं। वहीं सेठ का एक पोता रहता था राहू, वो बहुत ही जिद्दी था, उसे जो चीज पसंद होती थी वो बस उसी की ही होती थी। एक दिन, माँ मेरा फेवरेट स्वेटर कहाँ गया? बेटा वो यहीं कहीं होगा, आज दूसरा स्वेटर पहन ले। नहीं 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 नहीं, वो मेरा फेवरेट है, मुझे वही चाहिए। इस तरह राहू बहुत जिद करने लगता है और बहुत रोता है, एंड फाइनली उसे उसका स्वेटर मिल ही जाता है, जिसके बाद वो खुशी से उसे पहनकर स्कूल चला जाता है। वहीं पास ही खड़ा सेठ का नौकर ये सब देख रहा होता है। वहीं गांव में ठंड बढ़ती ही जाती है, सर पर छत और बदन पर ठंडे कपड़े ना होने के कारण धीरे धीरे गांव वालों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन सेठ को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो राजाओं की तरह रहता। वहीं उसी गांव में एक गरीब का बच्चा था सोनू। सोनू और राहुल दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। सोनू बेटा, अंधेरा होने से पहले घर चले आना। हाँ माँ, पता है रात में ठंड बढ़ जाती है और मेरे पास तो स्वेटर भी नहीं है, मैं समय से घर आ जाऊंगा। फिर सोनू वहाँ से चला जाता है। वहीं स्कूल में, अरे सोनू, तू शाम को मेरे घर खेलने क्यों नहीं आता? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही ठंडी होती है ना, इसीलिए। और तेरा स्वेटर कहाँ है? वो तो धोने को दिया है, मेरे पास तो एक ही स्वेटर है ना। अच्छा, मेरा तो ये स्वेटर फेवरेट है, मैं तो इसके बिना कहीं जाऊं ही नहीं। अच्छा चल, रात को नहीं तो शाम को खेलने आ जाना। अच्छा ठीक है, लेकिन अंधेरा होने के पहले तक बस। ओके। फिर दोनों बच्चे रोजाना शाम में अंधेरा होने के पहले तक एक साथ खूब खेलते। वहीं गांव में रोजाना इतनी ठंड पड़ने लगी कि रोज ठंड से एक दो मौत तो हो ही जाती थी। फिर एक दिन अचानक से ठंड के कारण सोनू भी बीमार पड़ जाता है। मम्मी, सोनू खेलने क्यों नहीं आता? मुझे सोनू के पास जाना है। नहीं, तुम उस गरीब के घर नहीं जाओगे। दादाजी, जाने दो ना प्लीज। फिर राहू बहुत जिद करता है और रोने लगता है, जिस कारण सेठ को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है। वहीं जब राहू सोनू के पास पहुंचता है तो उसे देखकर राहू को भी बुखार आ जाता है। सोनू कितना बीमार है रितु, इसे क्या हुआ? ठंड के कारण बेटा। तभी राहू पहली बार अपना फेवरेट स्वेटर उतार कर सोनू को उड़ाता है। वहीं दूर खड़ा सेठ ये सब देख रहा होता है। जो बच्चा अपनी फेवरेट चीज किसी को नहीं देता, अपने दोस्त की जान के लिए उसने अपनी फेवरेट चीज भी उसे दे दी। जब मेरा पोता ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जिसके बाद सेठ का गुरूर पानी की तरह बह जाता है और वो गरीबों की सारी जायदाद उन्हें लौटा देता है, जिसके बाद सभी सुकून से रहने लगते हैं और सेठ फिर कभी घमंड नहीं करता और राहुल सोनू मिलकर खूब खेलते हैं।